कल्पनात्मा, पहले समय में जो घटनाएं घटी और दिन से इतना कष्ट बना, तो हमने उन पर इव ध्यान रखना है कि हमने ये जुआ आदि नहीं खेलना, ये सबसे बड़ा शत्रु है और जो भाग में वही मिला जीव को। तो इस करके हमने ये सब हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना होगा। तो उधर से क्या हुआ कि द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने। अब दुर्योधन ने अब कहा अपने भाई को दुशासन को, उसे छोटे वाला था, कि जा उस द्रौपदी को पकड़ के ला घसीट के। और वहां दरबार लगा हुआ था जहां वो खेल रहे थे जुआ। अब सारा राज्य जीत लिया, पांडव बैठे वहां माथे हाथ धरे सारे के सारे, बैठ जाओ यहां पर, तुम तो नौकर हो गए मेरे। वो वहां बैठ गए और वहां पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर ये सब विराजमान बैठे गणमान्य व्यक्ति। दुशासन को कहा कि जा द्रौपदी को ला पकड़ के। उससे पहले एक बांदी, एक नौकरानी गई द्रौपदी से, कहा कि रानी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या हो गया? कि राजा युधिष्ठिर ने जुए में सभी राज्य जिता दिया और तेरे को भी दाव पर लगा दिया, दुर्योधन ने जीत लिया, अब तुझे लेने आ रहे हैं और तुझे नंगी करेंगे वहां पे। वो कह रहा उसको लाओ, यहाँ सुबह में नंगी करेंगे, क्योंकि हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे, उसको शर्म आएगी नहीं। द्रौपदी कहने लगी कि बांदी तुझे नहीं मालूम, ठीक है सुबह में हार गए होंगे, मान गई तेरी बात, लेकिन नंगी कैसे करेंगे मुझे? वहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं और कर्ण बैठे हैं, उनके रहते क्या ऐसा जुल्म वह कर सकते हैं? अब बांदी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, वो कह रहा था दुर्योधन कि नहीं ऐसा नहीं होता। अभी इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ के उसके बाल यहां से घसीट के लाया, ना बुरी तरह बेइज्जती करके सभा में खड़ी कर दी। अब दुशासन ने कहा कि क्या आदेश है भाई इसके लिए? दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे, इसकी साड़ी चीर उतार दे, हम तो अंधे हैं, अंधों की संतान अंधी होती है, हमें थोड़ा ही कुछ दिखाई देगा इसका। अब यूं कहकर के उसने दुशासन जो ही उसकी तरफ चला, उसका पल्ला पकड़ दिया साड़ी उतारने के लिए। तब उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ कहा जो वहां बैठे थे, उनकी उनसे प्रार्थना की, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उस दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाकर उनके अंदर दोष पैदा हो गया था। फिर उसने देखा अपने पांचों पांडव बैठे थे वहां पर कि ये अब कैसे सहन करेंगे मेरी इस बेइज्जती को, तब उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो वचन में बंध चुके थे। अब उसने देखा ये कमाल की बात होगी, कोई भी नहीं सुन रहा मेरी। अपना आत्मा वहां वो तीन ऐसी बला बैठी थी, ऐसे सूरवीर बैठे थे, कौन कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, उनमें से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देना दुशासन खबरदार दे, बेटी का हाथ लगाया था, निकम्मे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा जुल्म कि तो देखा ना सुना, ऐसी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतने सूरवीर थे, उनको पता था कि इन्हें एक बार हथियार उठा लिया थारा सारा बकल तार देंगे। और भीष्म पितामह उनका सबसे बुजुर्ग आदमी बैठा और वो भी दुष्ट वहीं बैठा रहा, एक भी ओछी मंदी नहीं की, तुम क्या कर रहे हो, मान लीजिए सभा में एक बार टोकना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं, और नहीं मानता है तो उठ कर चला जाना चाहिए। वो उठकर भी नहीं गए, तीनों के तीनों वहीं बैठे रहे। उनके मन में दोष था कि हम भी इसको नंगी देखें, नहीं तो उठ कर चले जाते, नहीं मानते, ना खड़ा होकर कहना चाहिए था भाई गलत कर रहे हो, और फिर भी नहीं मानते हैं बच्चे, तो उठ कर चला जाना चाहिए, ये नियम होता है सभा का, एक सभ्य व्यक्ति का। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब परमात्मा कहते बंधे से बंधा पुकारे,
बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे किसी के पाछे तात बांध के छोड़ रखा है और दूसरे की भी तीसरे की, वो उन्हीं से कहे कि तुम मुझे खोल दे, वो कहे तू मुझे खोल दे, वृक्ष के बांध रखे दूर दूर, लेकिन वो नहीं खोल सकते। को निर्बंध आ रहा था उससे पुकार की कि हमें खोल दीजिए, उसने सबके बंधन खोल दिए। तो हम सभी बंधे हुए हैं यहाँ पर कर्मों के बंधन में। ओनली कबीर गॉड, परमेश्वर कबीर जी है जो निर्बंध है। अपनात्मा, इस कथा से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। जब तक हम भक्ति भी कर रहे हैं और अब भगवान पर आश्रित नहीं होते, और हम ये सोचते हैं मेरा मित्र है मंत्री, मेरा रिश्तेदार है एमएलए, मेरा रिश्तेदार है फलाना अफसर या वहाँ बड़ा सेठ है वो, तब तक हम भगवान पर नहीं, उस पर आश्रित हैं। और जब जहाँ भगवान के सत्र का काम होता है वहाँ ना मंत्री कर सकता, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना को राष्ट्रपति, वो तो भगवान ही कर सकता है। अब जब द्रौपदी ने देख लिया ये पति भी झूठे हैं और मेरे साथ बेइज्जती, और ये नीचन गर्दन कर लिए काहे के पति, और ये सब आपत्ति देख लिए, नीची गर्दन करे बैठ के, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, अर्ध नहीं सुन रहे। जब संसार से जिसकी हट जाता है आस्था कि यहाँ कोई तेरा नहीं, तब हम भगवान याद आता है। तब उसने आत्मा रोई उसकी, मन की पुकार नहीं थी वहाँ पर। मन की तो पुकार है, मैंने गाड़ी दे दे, कार बड़ी सी, एक कोठी दे भगवान, फलाना दे भगवान, ये तो मन की पुकार, और ये आत्मा की पुकार थी सच्ची, सचमुच आवश्यकता है अब इसकी, बचाव की। अब क्या होता है कि यहाँ जब हम रोते हैं, रोते तो सभी हैं, जिस पर आपदाएँ आती हैं आत्मा सभी रोती हैं और याद भी करती हैं भगवान को लास्ट में। तो क्या होता है, हमारी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का लेखा जोखा करता, अकाउंट करता हम सबका। और वहाँ जब पुकार जाती है तो वहाँ आसपास बहुत जोर की शोर हो जाता है उस चिल्लाहट का, तो उसी समय धर्मराज देखता है कि किस नंबर की आत्मा पर क्या आपत्ति है, और मैं उसका कोई पिछला पुण्य है कि नहीं किसी संचित कर्म में भी। फिर वो देखता है कि उसका यदि कोई पुण्य है तो वहाँ से फिर वो पुण्य का प्रतिफल नीचे आता है, और पूर्ण परमात्मा ही उसी को आधार बना के उस पुण्य के आधार से उसकी रक्षा करता है, करता वही है पूर्ण परमात्मा ही। और वो अपना नाम नहीं लेते, कहते हैं 84,00,000 जीव को और साहेब भोजन देत, 84,00,000 पोखता, वो अपना नाम नहीं लेते। अपना नाम नहीं लेने आता, उसका बहाना बना दिया, उसको ऐसे मिल गया, उसको ऐसे मिल गया, वो करा वही रहा है सारा कुछ। तो वहाँ से वापस आती है, तो इसकी पुकार पहुँची द्रौपदी की वहाँ, और उसकी वहाँ फाइल खुल गई, वो सीडी ऑन होगी उसके पुण्य कर्मों की। तो उसमें देखा धर्मराज ने कि एक इसने परम संत को, सुपात्र को, और जिसको आवश्यकता थी, एक साड़ी का टुकड़ा दे रखा है, और उस संत ने उसको आशीर्वाद दे रखा है, उसका ढेर लग गया है। तो वहाँ से क्या था, जैसे श्री कृष्ण जी जो थे पांडवों के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, जैसे गीता जी 10 नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप हमारे गुरु हो, आचार्य हो, और मैं मुझे जो आज्ञा दो, जो मेरा हित हो वो बताइए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण जी गुरु थे, करै करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अब वहाँ से जैसे यहाँ से पुकार गई धर्मराज के दरबार में, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई कि उसका पुण्य है, उस पुण्य की प्रतिफल फिर आया श्री कृष्ण जी के शरीर में टकराया, क्योंकि उसका गुरु था वो।
अपरमात्मा ने भक्ति को जीवित भी रखना था। काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो जाएं, इनका कोई काम सरे नहीं भगवान की भक्ति से, इसलिए शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू करवा रखी है इसने, तो ये नास्तिक हो जाएं। और परमात्मा का प्रयत्न रहा है, क्योंकि कलयुग तक यह भक्ति घसीट के लानी थी भगवान ने, कबीर साहब ने, कभी समय आने पर बताएंगे कारण क्या था। अब प्रसंग दूसरा चल रहा है, जिन्होंने सत्संग ज़्यादा सुन रखे हैं उनको मालूम है कि परमात्मा कबीर जी परमेश्वर की और इस काल की वार्ता हुई थी, इसने कुछ प्रार्थना की थी और परमात्मा ने वचनबद्ध होकर उसने कहा था कि तीन युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथे में आप कितने ले जाना। तो ये चाहता है कि चौथे युग तक इनको सबको नास्तिक बना दूँ, जैसे महात्मा बुद्ध थे, पिछले जन्म के बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, राजा के घर जन्म हुआ, क्योंकि जो स्वर्ग में रह रहा उसका यहाँ दिल कहाँ लगे, राज भी त्याग दिया भगवान पाने की चेष्टा की, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक ना होने से उनके वचन में शब्द में शक्ति थी पूर्व जन्म की, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। उसने अपनी वचन की यानी शब्द की शक्तियों से वह प्रभाव था उसके वक्तव्य में, जिस कारण से लाखों लोगों को संग लगा लिया, लेकिन उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, तो सभी नास्तिक हो गए। पूरा चीन और पूरा रूस ये सब बौद्धिक धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को, आज सारे नास्तिक हो गए। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, फिर सुने नहीं भगवान के बारे में कटा टंटा। और परमात्मा चाह रहे थे कि किसी प्रकार यह भक्ति इस प्राइम टाइम तक पहुंच जा, आस्था बनी रहे प्यारी आत्माओं की भगवान में। तो इस तरह के उदाहरण वो स्वयं करके गए थे, और मर्यादा भी बनानी थी कि गुरु के बिना काम नहीं होना। अब श्री कृष्ण उनके गुरु थे, श्री कृष्ण तो रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था, बता क्या का गुरु था वो। अब उससे क्या होना था, वो खुद तवड़ा रंगरेलिया मना रहे हैं अब। लेकिन परमात्मा ने तो वो जो कार्य विधिवत करवाना और इसको जीवित रखना था कि गुरु के बिना मैं काम नहीं करूँगा तुम्हारा, तो वहाँ रुक्मणी बैठी थी और शतरंज के पास से डाले श्री कृष्ण जी ने, और पास से डालकर कुछ न्यू बोला करें, कच्चे 12 पक्के 18 जैसे भी कुछ उनका होते हैं कि इतने बोल कर जब मारा करते ऐसे, तो उसने न्यू पास से डाल दिए, और पास से डाल कर हाथ ऐसे आकड़ गया जैसे नू आकड़ गया, और नू का अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोला, वो तो बुलवा गया उस परम शक्ति थे, क्योंकि वो वहाँ से फिर वहाँ भेजना था। अब हम तो यंत्र हैं उस परमात्मा के, चला वही रहा है। तो क्या बताते हैं, अब रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हार गए ना, अनंत अनंत करण लग गए, बोल के मांगे इसमें पास से डाले हैं इसकी ये बोल। तब न बोली कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के आसन लागी, अनंत कहा मोकू समझाई, ये अनंत किस लिए कहा तूने, आर गया ना तू। तो वो कहते हैं दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्त सकल में सिखरी। अब यहाँ परमात्मा बुला रहे हैं श्री कृष्ण के यंत्र को, उस बॉडी को, और जो हमारा भक्त पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। श्री कृष्ण तो वहाँ पासे खेलन लग गया, इतना कह के बस वो तो लग गया, आ जा खेल लेंगे, उसने ना पता है क्या हो रहा है सांग। कहते हैं तन देही से पासा डारी, वो पहुँचे सूक्ष्म रूप मुरारी। मुरारी माने राक्षसों पाप रूपी कर्मों का नाशक, वो कबीर परमेश्वर वहाँ पहुँचे, कृष्ण तो वहाँ पास से खेल रहा था, ऐसे खेलने लगा शतरंज। उसने याद भी को ना के आतना, जैसे गीता में वो काल बढ़ के इसमें बोल गया सारी गीता जी को, उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और परमात्मा अपने आप वहाँ रिमोट से बुलवाते, वो किसी के शरीर का आश्रय नहीं लेते। अब उधर से दुशासन लगा साड़ी को उतारने, खेचत खेचत खेच कशीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रोपता को दिन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। खेचत खेचत खेच कशीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रोपता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब इतना तगड़ा था दुशासन, कहते 1000 हाथियों की ताकत थी उसमें, इतना
पावरफुल, जैसे आजकल जैसे कहते हैं ना 4 हॉर्सपावर की मोटर है या 10 हॉर्सपावर की है, तो वो 1000 हॉर्सपावर की मोटर समझ लो दुशासन को। और द्रौपदी एक अबला, तो भगवान की शक्ति साथ थी, वो सारी पावर फैल होगी, कति जो खींच खींच कर तो बेइज्जती करना चाहो थे और खूब जोर लगा रहे थे प्रतिशोध लेने के लिए, गुस्से में पसीनम पसीना हो गया योद्धा और साड़ी का ढेर लग गया नू, और द्रौपदी नो की नो खड़ी है, टस से मस नहीं हुई, पसीनम पसीना होकर बैठ गया आखिर में। उस समय जब उन्होंने साड़ी पकड़ी ही थी, पल्लू पकड़ा था खींचने के लिए दुशासन ने, उसी समय खड़ा हो गया कौन, वो विदुर। विदुर कौरव और पांडव का भाई था, उसका धृतराष्ट्र का और कौरव का भाई था वो। वो 3 भाई थे, ये बांदी से उत्पन्न हुआ था विदुर, तो उनका चाचा था नाते में सगा चाचा। तो विदुर खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा दुर्योधन और दुशासन से के भले आदमियों तुम क्या करने जा रहे हो, अरे किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपनी ही बहू की, बाहर क्या कहेंगे कि अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो। तब विदुर ने कहा खड़ा होके कि विदुर कहे ये बंधु थारा एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा दुर्योधन ने खड़ा होके और अपने चाचा के थप्पड़ मारा। ने बोला तू तो सदा इन पांडवों की ओड बोलिया करे, तू तो इनका चमचा है, इनका नौकर है, तू न्याय की बात थोड़ी कहता है। तो दुष्ट इंसान ऐसे बोला करते हैं, कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा और कहा तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां विषम द्रोण और कर्ण मुस्काया, अपने आत्माओं देखो इनको महापुरुष कहा करते, मेरा दादा विषम नू था, कर्ण ये था, द्रोणाचार्य तो गुरु थे उनके, और गुरु बैठे वहां पर तीनों दांतरे का डन लग गए। जब दुर्योधन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और जब ये कहा कि तू तो बांदी का पुत्र है और तू तो इनका चमचा है, गुलाम है तू, उस समय कहते हैं तू तो है बांदी का जाया। ये कहा जब विषम द्रोण और कर्ण मुस्काया, हंसन लग गए वह तीनों, जबकि खड़ा हो जाना चाहिए था, निकम्मे अपने चाचा का नहीं हाथ कर दिया तो ना शर्म नहीं आई, खबरदार जैसे, और उनका 2 धड़ाओं धड़ा के और छुटवा देते उस बेटी को, जा बेटा अपने घर ने। तो वो दांदरे काट दें, ये महापुरुष थे, ये था हमारा महाभारत जिसने पढ़ पढ़ के आज तक हम बहरे हो गए, ये कथाएं थी इसके अंदर। तो वहाँ वहाँ रोल देखो एक महापुरुष का, ये होते हैं सभा के अंदर जो पंच होने चाहिए, अपनी सच्ची बात कहे, कोई धमकावे चाहे मारो छोड़ो, फिर उठ कर चला जाओ। उधर उठ कर चला गया, ठीक है अभी इतनी उसकी सामर्थ्य था, उतना कह दिया उसने। अब बात आई गई हुई, अब कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण से बताया द्रौपदी ने कि भगवान आपने बड़ी इज्जत रखी, मैंने आपको याद किया, क्योंकि गुरु को याद किया जाता है, और आपने मेरी इज्जत रख दी। और कृष्ण जी को पता भी कोई नहीं क्या हो गया कहानी, वह राम के श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी। तो फिर बताई गई सारी बातें कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और आपने ऐसी दुआ करी, साड़ी इतना ढेर लग गया, साड़ी खत्म नहीं हुई। अब भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म का भी साधक था और उनकी भी दिव्य दृष्टि काम करे थी, अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने देखा कि ओहो। तो द्रौपदी ने पूछा कि गुरुवर मुझे किस पुण्य का फल मिला ये। तब श्री कृष्ण ने अपनी दूरबीन से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, उसके प्रहर्द में झांक के, ये तो आम आदमी देख लेते थे, पहले इतनी अच्छी आत्मा होती थी, जैसे कहते हैं धृतराष्ट्र ने ऐसे, कोई कथा फिर बताएंगे, प्रसंग बदल जाएगा।
तो अब उसने देखा कि द्रौपदी तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया था और उस अंधे को दिया हुआ दान तिरायु फल गया, उसका प्रतिफल है ये। तब उसको याद आया को तेरे की अपने आत्माओं देखो बात कहाँ से ध्यान देना। जब वो साड़ी पाड़ रही थी अपनी, राजा की लड़की अपनी साड़ी को फाड़ फाड़ कर डाल रही थी, तो उस समय वो अपनी नौकरानी को भी कह सकती थी कि तू एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के डाल दे महात्मा को, और नौकरानी तुरंत पाड़ के डाल देती। उसको पता था कि राजा की लड़की है, जाते चार देगी तेरे तई नए नए बढ़िया साड़ी। लेकिन नहीं, इतना ज्ञान दिया जाता था बच्चों को कि मैं रोटी खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, मैं दान करूंगी तो मुझे मिलेगा, उसको इतना भी मालूम था। तो इसको कहते हैं लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। अब जैसे आप यहाँ सेवा करते हो, आपकी इच्छा ना हो कि यूँ मेरी सेवा करें तो आपको वो लूट रहा है। जहाँ तक आपकी पार बस आप अपने हाथों से सेवा करने की चेष्टा करें जितनी भी हो जाए, और दान करें अपने हाथ से अपनी अपनी कमाई से, वो आपको ही मिलेगा। तो कहते हैं जब तक माता पिता के अधीन है बच्चे तब तक वो दान करते हैं, तो भले ही वो माता पिता का ही है लेकिन जिसने दान अपनी नियमत से किया है उसी को फल मिलता है। अब द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, एक छोटी सी लीर पाड़ के दी थी मैंने, उसका इतना फल मिल गया, इज्जत राख दी मेरी, साड़ी तो देखी जा लेकिन आज जो मेरी इज्जत रही है उसकी तो कोई कीमत नहीं। तब कहते हैं कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती तो सबके में देती वार। इसे महापुरुष को और एक इतना दान करने से आज मेरी इतनी इज्जत रही है, यदि मुझे पहले पता लग जाता तो ना जाने क्या नुछावर कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुणात्माओं, परमात्मा को पता था कि इसका और कोई ऐसा संस्कार नहीं है जहाँ उस समय इसकी रक्षा हो सके, नाम इसने ले नहीं रखा क्योंकि रानी बन गई अंडी पाकेगी। और जब द्रुपति होगी, जब भगवान याद आता है तो इसे दयालु है परमात्मा, ये पहले ही प्रबंध करा देते हैं और कहते हैं गैल गैल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अपुणात्माओं, समर्थ के बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, अधिकारी ही उसको हमारे सब दुखों का निवारण कर सकता है, हमारे आध्यात्मिक अनुष्ठानों को भी वही सफल कर सकता है। जैसे एक समय युधिष्ठिर को बहुत भयंकर स्वप्न आने शुरू हो गए थे, महाभारत का युद्ध हो चुका था, युधिष्ठिर जी गद्दी पर विराजमान थे। अब वो जो मरे हुए व्यक्तियों की और उनकी पत्नियां जो हाहाकार मचा रही थी, बुरा हाल हो रहा था, और वो प्रेत आत्माएं उस युधिष्ठिर को सताने लगी जो युद्ध में मरे थे, नाथ और अनाथ जितने भी थे। वो भयभीत हो गया, आंखें फटी की फटी रह जाती थी, ऐसे देख रहा, ना खा रहा ना पी रहा, ना नींद आ रही है, जंतर मंत्र खूब करा लिए, सारा कुछ हो गया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फिर गुरुजी के पास जाते हैं, श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी से कारण और समाधान पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किए हैं ये तुम्हें हानिकारक हो रहे हैं, वो पाप सेध गया, वो पाप तुम्हें दुख दे रहा है। अपनात्मा गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल कह रहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के 37 और 38 में कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेंगे, ये तो मैंने सब मार रखे हैं। अब जब उसने ये कहा कि तुमने युद्ध में किए हुए पापों का ये दंड भोगना पड़ रहा है, उसमें अर्जुन के हृदय में धक देसी हुई, झटका लग गया कि ये क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण आज, जब तो कह रहे थे मैं युद्ध मना करूं था, ये कह था कर ले तेने पाप नहीं लगे, राज कह रहे हैं पाप लग गए। और समाधान भी साथ में बता दिया श्री कृष्ण जी ने कि अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में बता के पूरे पृथ्वी के सभी उनको आमंत्रित करो, साधु संत फकीरों को और आम जनता को भी, जो तुम्हारे लेटे हुए हैं उनको भी। अब
इतने व्यक्तियों को भोजन कराना अंडरस्टूड है, जिसमें करोड़ों व्यक्ति अरबों व्यक्तियों ने भोजन खाना था तो कितना खर्चा हो, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ थी। और यज्ञ के संपूर्ण होने के लक्षण बता दिए कि एक संख रखा जाएगा अलग से पांच मुख का, और जब ये यज्ञ जब पूर्ण होगी, जब उसमें सब भोजन पा लेंगे, साधु संत फकीर ऋषि महात्मा देव ब्राह्मण, और ये संख अपने आप आवाज करेगा बगैर बजाए, आप पे बाजेगा, ऐसे लक्षण बता दिए। तो उस समय अर्जुन चुप हो गया कि यदि मैं अब वाद विवाद करूंगा, श्री कृष्ण जी से कहूंगा कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगे, युद्ध कर ले, और आज वो पाप कहाँ से आ गया हमारे लिए। तो उसने सोचा यदि मैंने जुबान खोल दी तो युधिष्ठिर ये समझेगा कि अर्जुन प्रसन्न नहीं है दो पैसे लगान में, क्योंकि इसमें खर्च गणा होगा मेरी आपत्ति निवारण में, और फिर ये ऐसा व्यक्ति है जिंदगी भर ये समाधान नहीं करवाएगा, मर जाएगा। युधिष्ठिर की स्थिति से और उसके नेचर से वो परिचित था, इस करके चुप रहा। जो आज्ञा मघवन, ऐसा ही किया गया। लाखों व्यक्ति आ गए, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के रिलेटिव थे और अर्जुन के रिलेटिव थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन के ब्याही थी। तो सभी रिश्तेदार और आसपास के सब साधु संत बुला लिए, वहाँ अरबों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, भोजन बना के सब शुरू कर दिया, सब ने भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी खा लिया भोजन। अब शंख नहीं बजा, उस संघ ने आवाज नहीं की तो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। श्री कृष्ण जी से कहा युधिष्ठिर ने कि भगवान हमारे पाप बहुत घने हैं, और संख बजा नहीं, संख नहीं बजा तो हमारा संकट निवारण हुआ नहीं, यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई यज्ञ संपूर्ण करने वाला अभी आया ही नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा भगवान ये ऐसे ऋषि महर्षि मंडलेश्वर 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मण और आप जैसे महापुरुष ने भोजन खा लिया भगवान, अब इनसे अलग कौन रह गया इस पृथ्वी पर। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक सतगुरु का हंस है, पूर्ण परमात्मा का साधक है, सतगुरु का शिष्य है, सुदर्शन नाम है, उसको आमंत्रित क्यों नहीं किया तुमने। तो फिर बताया गया, अर्जुन से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि उधर भीम की ड्यूटी ला रखी थी हमने आमंत्रित करने की, नौते देने की। भीम से पूछा कि उस महात्मा को क्यों नहीं बुला के नहीं लाए, क्या कारण हुआ या वहाँ तक पहुँचे नहीं तुम। भीम ने कहा कि मैं गया था उसके पास, सुदर्शन नाम है उसका, एक झोंपड़ी में रहता है, वो तो कुबोल आदमी है, बुंडा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोला उसने, कि मैंने उनसे कहा था कि मैं युधिष्ठिर का भाई हूँ और आप हमारी यज्ञ में आइए, हमने एक यज्ञ किया है, आपको आमंत्रित करते हैं। सुदर्शन जी ने कहा कि तुम पापी हो, अपराधी हो, तुमने लाखों बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, आज उनके खून को पी रहे हो, राज कर रहे हो, तुम्हारे अन्न को भी कोई खाएगा सीधा नरक में जाएगा। यदि तुमने मुझे बुलाना है तो ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मुझे संकल्प करो जब तुम्हारे पाप के टूक को खाऊं। अब श्री कृष्ण जी ने पता था यो विपलवान ठीक नहीं बोला होगा, तो कहने लगा भाई आपने क्या कहा कि भगवान मैंने क्या कहा, बस आपकी शर्म थी, मैंने उसको कहा कि मैं अपने भगवान से और भाई से डरता हूँ, ना तेरी थोबड़ी तोड़ देता, आना हो तो आइए ना मत आइए, फालतू मत बोला है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भीम तने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, तुझे नोता देने भेजा था बकवाद करण नहीं, साधु संत को आपने नोता दिया, उन्होंने जो कहा आपने सुनकर आकर मुझे बताना चाहिए था, हम समाधान करते कुछ अपने आत्माओं जैसे। अब ये थोड़े से समय पहले ही जब ब्याह शादी करते थे उसमें यो भंडारे जो करते थे ना, लाडू जलेबी बनाना, ये कोई रिवाज नहीं थी, ये एक अनुष्ठान किया जाता था और उसमें सभी को बुलाना अनिवार्य था, और कोई रुष्ट हो जाता तो उसने मना के लाया करते, कहते भाई
बाद आना पड़ जाए यज्ञ में, वो ना आता है या रुस्सा मनाई सी न्यू थी, वो ऐसे उलाने सुलाने जूठे साचे होने लग गए, वो अलग था। तो फिर उसको लाना अनिवार्य समझा कि अभी तो पक्का बुलाना पड़ेगा और उस बिना यू काम हो नहीं सकता। तब श्री कृष्ण और पांचों पांडव रथ में बैठ के गए और उधर से कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म वो अपने लीला अनुसार वहाँ आए हुए थे। एक जीवन जैसे शिशु रूप धार करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर वो लीला करते हैं, ज्ञान प्रचार करते हैं, उसी आधार से वो सुदर्शन जी उस करुणा में नाम से आए थे परमात्मा द्वापर युग में, उस करुणा में के शिष्य थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से आए हैं परमात्मा। तो करुणा में अपने गुरु जी के पास जाकर कहा कि भगवान ऐसे ऐसे राजा कल भाई आया था, ऐसे ऐसे कह रहा था और मैंने तो उसको ये जवाब दे दिया। तो परमात्मा बोले भाई वो फिर आवेंगे और उनका काम बने को ना, वो तन्नरे वो बैठे हैं माया के मायादारी ऋषि में ऋषि, उनसे ये शंख ना बजे बेटा, फिर आवेंगे वह। अभी उस सुदर्शन ने सोचा वह फिर सिर खाएंगे, खिसक लिया यहाँ से। सुदर्शन तो निकल गया सैर सपट्टे को 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब पीछे से परमात्मा करुणा में उस सुदर्शन रूप बना के बैठ गया झोपड़ी में। अब कहते हैं जा करके श्री कृष्ण जी रथ रोक दिया एक योजन दूर, यानी 10-12 किलोमीटर दूर। एक योजन 4 कोस का होता था, पहले लंबे लंबे तगड़े तगड़े आदमी होते थे, अब एक किले की देख कर डंग बनाया करते हुए एक कदम। तो वहाँ परमात्मा बैठे थे कुटिया में, श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया विनम्रता से। जब श्री कृष्ण ने गुरु जी ने प्रणाम कर दिया तो चेले कितरेंगे, पांचों पांडवों ने किया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि परवरदिगार ये युधिष्ठिर राजा आए हैं और इनके भाई हैं, आप चलिएगा, इन्होंने एक यज्ञ अनुष्ठान किया है, आपको न्योता देने आए हैं, आमंत्रित करने आए हैं। तब परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में कि मैंने इस भगत से कहा था कि मेरे 100 यज्ञ का फल दे दे तब मैं चलूँ, मेरा करो संकल्प पूरा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान आपकी वाणी है, परमात्मा चारों युगों में यही ज्ञान दिया जो आज आपके समक्ष रूबरू हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा आपकी वाणी है प्रभु, संत मिलन को चा लिए तज माया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हम ये द्वारकाधीश और ये दिल्ली के राजा आपके समक्ष आए हैं भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो आज इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। अब पहले तो भीम का न्यू था श्री कृष्ण रे हमारे साथ हमारी यज्ञ वो तो होनी होनी है। अब कृष्ण जी भी फ्यूज हो लिए जब भीम भी काम पर खड़ा खड़ा और न्यू कहते जी आप झांक के देख लो इनके अंदर, इनमें जरा सा अभिमान आज शेष नहीं है और आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। वहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हमारे कदम हैं आपके निमित्त हैं और एक कदम का फल एक यज्ञ आप ही की वाणी आपका विधान बता रहा है। हे भगवान ये 100 रख लो आप, शेष हमारी झोली में डाल दो। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जय कोई धन का भूखा है वो साधु भी ना। तो परमात्मा कहने लगे भाई ठीक है। और जब भीम गया था पहले तो जब सुदर्शन जी ने ये बात कही थी कि तुमने बहुत जुल्म किया है, युद्ध वैसे ही नहीं लाखों करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया, तब उसने डींग मारी थी कि युद्ध वैसे नहीं जीता जाता बाबा जी, अपने दम पर जीता है, गदा से एक का मारूं था 20 मरे थे मेरे धाक से, और अपने दम से जीता है, अपनी ताकत से जीता है। जब तो चला गया कह सुन नहीं बोला था, अब परमात्मा ने कहा लैस की जाए फटका दूं कितना ताकतवर है। तो उसने परमात्मा की माला रखी थी कबीर देव की, सुदर्शन जी की खुट्टी पर टांग रखी थी और परमात्मा एक बैठे थे नीचे मैट पे और कहा भाई पहलवान एक भैया मेरी सुमरणी तारी है, चल लूँगा फिर तारे साथ
भीम पहुंचा जब वो माला उतारने के लिए, चिपक गया उस माला का, जो कर बिजली गरीब कर लिया करे, खूब अंगाला उख सभी को ना। जब परमात्मा बोले रे क्या हो गया पहलवान, घनी देर लगा दी, छोड़ के दूर खड़ा हो गया कि मेरे अपना उतरती महाराज जी आ। परमात्मा ने ऐसे किया था, अपने आप उठका आएगी उनके हाथ में। तब परमेश्वर ने कहा था उस दिन तो डींग मारे था कि एक मारूं था, गदा 20 मरे थे, अब कहाँ गया तेरा बल, नीचा मुंह कर लिया। तब उनकी आशा बनी कि ये संत सचमुच कुछ है। तब परमेश्वर को लेकर आए वहां पर सुदर्शन रूप में। तो क्या बताते हैं, भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा। भक्ति बिना भाव के जो कोई भी दान धर्म करता उसका कोई यूज नहीं है। व्यंजन क्षति सो प्रोसिया ता द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार रे कई संक ना बाणी। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे, वो मंडलेश्वर बैठे ऋषि महर्षि, और जब युधिष्ठिर ने ये कहा था कि भगवान क्या इन ऋषि महर्षियों से भी हमारा काम नहीं बना तो और कौन बनाएगा, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये सत साधक नहीं है, ये सत साधना नहीं करे तो माया के सिद्धियों के पुजारी है। और श्री कृष्ण जी ने अपने ऐसे हाथ कर दिया उनके सब की तरफ और कहा देख युधिष्ठिर इनके चेहरे देखिए, अगले जन्म में क्या प्राप्ति, कौन सा जन्म पाएंगे, कोई तो अपने आसन पर गदा बना खड़ा है, कोई कुत्ता कोई मुर्गा कोई चींटी कोई हाथी कोई कैसे, कहते अगले जन्म इनके ये होंगे, इन मंडलेश्वरों के ऋषि महर्षियों के। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अपनी लीला बंद करो, मुझसे इनकी दशा देखी नहीं जाती। श्री कृष्ण जी बोले या लीला नहीं भाई, या सच्चाई है, इनके साथ ऐसा बनेगा। अब जो ही परमात्मा वहाँ पहुँचे, एक जैसे गरीब व्यक्ति ग्रामीण आज से 50-60 पहले जैसे गांव की वेशभूषा करती थी, लांडी सी धोती, पैरों में टूटे से जूते, बाल थोड़े छोटे बड़े हुए, ओले बोले जैसे कई दिन नहाए हो गए हों, ऐसी स्थिति में, और वह बैठे कति मांजे धोए कति गच काचे कपड़े पहने सारे, मैं ऋषि मंडलेश्वर ब्राह्मण को आवे तीन तीन बहन आवे। जब परमात्मा वहाँ प्रवेश किए, सब ने मुँह पर पल्ला करके आसन लगे कि यू लाए पकड़ के, यू करेगा इनकी यज्ञ पूरी। और वो क्या बतला रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही गने हैं भाई, ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो, इन्होंने करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, अरे जब इन पाप कर रखे हैं तभी तो तुमने लाए खागड़ो थारा के करें थे, फिर ये दुख है भुगतना था थे तो तुमने गाड़ो फिर ये गाड़ने ले आए थे। तो अब आए समर्थ वहां पर बैठ गया, आसन बिछा दिया श्री कृष्ण जी ने, और श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी इस महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा, बढ़िया आहार बना। द्रौपदी ने अपने हाथों नौकरों पर नहीं छोड़ा, नौकरानियों पर कदे चूक रह जा, अपने हाथों भोजन बनाया, न्यारे न्यारे पकवान, कचौड़ी पकौड़ी खीर हलवा दही बड़े न्यारे न्यारे, दाल सब्जी और बना के भोजन, क्योंकि पहले तो चूल्हे हुआ करते लकड़ी बाल के, दो एक डेढ़ घंटे में दो तैयार हुआ, एक थाल में परोस के अलग अलग आइटम और महात्मा के सामने रख दिए। अब वो सुदर्शन जो था वहाँ तो मालिक बैठे थे, रोल सुदर्शन का ही कर रहे थे। उस सुदर्शन जी ने एक नियम बना रखा था अपना कि मैं 5 ग्रास डेली खाता था, जैसे कोई भी सामान है सारा इकट्ठा करा भोजन, और ऐसे 5 बार खा के वो संयम रखता था भोजन पर, अंजल पर, उसे आगे नहीं खाता था। तो ऐसे उन्होंने जितना चाहिए था 5 बार खाने के लिए थोड़े थोड़े आइटम सारे थाली में डाल लिए, कटोरियों में थे, और फिर उनको ऐसे खिचड़ी बना लिया, लगे खिचड़ी बनाने, सबको मिलाने लगे। तो द्रौपदी ने ये सोचा था कि आज ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना दिया है संत के लिए, ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति और ऐसे मेरे बनाए हुए स्वादिष्ट आइटम को अलग अलग खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा। जब द्रौपदी ने देखा इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, तो उसके मन में दोष आ गया कि रहा सूदर का सूदर, क्योंकि वो वाल्मीकि जाति में थे सुदर्शन जी,
कहा कि रहा सूदर का सूदर, इसने खान का भी नहीं पता, मैंने तो 2 घंटे तक आँख फुड़वाई दूँ मैं, और इसने कर दिया गुड़ गोबर। ऐसा दोस्त मानकर मुँह सा चढ़ा के भीतर न चली गई। अब उधर से जब एक ग्रास खाया उस सबको मिलाकर, एक बार शंख ने आवाज की, दूसरा ग्रास खाया दूसरी बार की, 5 बार में वो जितना खाना था खा लिया, तो 5 बार शंख बोला और बोल कर रुक गया। तब युधिष्ठिर गया भगवान श्री कृष्ण के पास के भगवान आपकी रजा होगी, हो गया काम, बन गई बात, शंख बज गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, ये शंख नहीं बजा भाई, ये तो अखंड बजना चाहिए, काफ़ी समय तक रुके नहीं, ये तो खंड हो गया, 5 बार बोला है कोई। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब किसको लाओगे बुलाकर? तभी श्री कृष्ण ने कहा कि भाई और कोई शेष नहीं पृथ्वी पर, इस महापुरुष के एक बाल के समान 3 लोक नहीं है, लेकिन अपने घर में कोई त्रुटि है जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। कबीर परमेश्वर भी कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में, हमें कोई पूरा फल यहाँ से नहीं मिल रहा, तो आपकी कोई मर्यादा में त्रुटि है, उसको सेट करो अपनी को, फिर देखो ठाट। तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि द्रौपदी ने काम बिगाड़ा दिखे, वह बुलाई कि बहन एक सच्ची बताना, महात्मा ने जब यू खाना खाया तेरे मन में कोई दोष आया? कहाँ जी गणाए आ गया मेरे मन में, तो नालायक तेने तो काम बिगाड़ दिया सारा, बता यो इसको कैसे प्रसन्न करेंगे? क्या मन में आया? उसने बता जी मन ने नो सोचा था ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊंगी, और अपने हाथों बनाया, मैंने नौकरानी का सहयोग नहीं दिया कि देर नमक मिर्च में कमी रह जा, और सोचा यूँ था कि महात्मा भोजन खाओगा 6 जगह गुण गाओगा, मेरे द्रौपदी ने ऐसा भोजन बनाया भाई कि देखा ना सुना। और जब इसने ऐसा कार सारा काम बिगाड़ दिया तो मेरे मन में घना गलानी बन गई इस महात्मा के प्रति कि क्या कहा महात्मा, इसने खाना भी ना आता। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी तेने बठा बठा दिया, अब तूने एहसान नहीं किया इसको भोजन खिलाने का, इसने एहसान किया तेरे घर पर आकर तेरा टूक खाने का, और आपका फर्ज संत के सामने रख देने का है, उसकी क्रिया को नहीं देखना चाहिए। और साधु संत चठोरे नहीं होते बेबे। तब कहने लगी भगवान मुझसे गलती बन गई, कोई समाधान बताओ कि इसके चरण दो के पी, जब तेरे अंदर के पाप कटेंगे साथ में यू काम बनेगा। द्रौपदी लाई एक प्रांत ठाके बड़ी थाली और पानी का जग रखा, भगवान के हाथ जोड़े प्रार्थना की भगवान अक्षमा करो, चरणामृत दो दाता हमारा कल्याण हो। परमात्मा ने दोनों चरण उठा लिए, थाली में रख के धोए और डाल के उल्टा पानी जब आधा पी लिया द्रौपदी ने, तब श्री कृष्ण ने कहा कि बेबे बहन आधा मुझे भी दे दे, क्योंकि इसे महापुरुष का चरणामृत। अब यह आँख श्री कृष्ण की भी खुल गई थी कि 5 बार इस तरह बज गया हमारे खाए तो लटेल भी ना था, सांस भी ना लिया शंख ने, तो बुद्धिमान ने संकेत बहुत होता है, तो उसने सोची परम शक्ति है मेरा भी उद्धार हो जाएगा। कहने लगा बहन आधा मुझे भी दे दे, तो आधा श्री कृष्ण ने पिया। तो गरीबदास कहते हैं उस बाल्मीक का चरणामृत पिया थरे कृष्ण चंद्र करतारा, तुम जिसको कृष्ण चंद्र भगवान कहा करते उस बाल्मीक के चरणों का धूल पी, और तब वो शंख कण कण जनकारा। कहते भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, और विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राजा, विनन छती सो प्रोसिया जा द्रौपदी रानी, और बिन आदर सत्कार कही ना शंख रे बाणी। तो पुणात्माओं इन सब सत्संग के वचनों से आपने अपने जीवन को सुचारू करना है, समर्थ बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। कहते 33 करोड़ यज्ञ में आए वो सेंस 88 सारे, द्वादश कोटि वेद के वक्ता उस उपच का शंख बजारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते हैं कि 56 करोड़ जहां थे या दो, उनसे शंख ना बाजा ना दू, एक बाल्मीक नीचे कुल साधु जिन शंख पंचायन पूरा ना दू। के कहते हैं ये ओर गनो माया के पूता,
ये तो सिर्फ माया के पुजारी थे जितने 33,88,000 ऐसी सारे बैठे थे। कहते वहाँ सुपत से शंख बजारे शत भक्ति और समर्थ की शरण में जो था उससे भी वो तीन ताप का नाश हुआ, श्री कृष्ण से भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी हैं, जो हमारे पूज्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के भूली हुई आत्माओं को परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। कलयुग में ये परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर जिसे बनारस भी कहते हैं, काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था। उस टैंक के अंदर विकसित कमल के फूल पर एक कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो गए। उस परमेश्वर का किसी माँ से जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू हैं, अजन्मा हैं। उनका शरीर है लेकिन सुक्रम अकायम ऐसनाविरम है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी सुक्रम अकायम ऐसनाविरम, ये कबीर परमेश्वर, मनीषी माने विद्वान पुरुष, कबीर विद्वान यानी सर्व सृष्टि की सभी रचनाओं को जानने वाला, क्योंकि सभी रचनाओं का करने वाला यही है। वो सह शरीर है लेकिन उसकी हमारे जैसी काया नहीं है, सुक्रम अकायम है। उनका शरीर नाड़ी के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना हुआ, वो स्वयंभू हैं। और चारों वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे, सतलोक से गति करके आए थे, नवजात शिशु का रूप धारण किया था, उस समय एक नीरू और नीमा नामक पति पत्नी थे। नीरू पति था, नीमा उसकी पत्नी थी। वो निसंतान थे और परमात्मा को उस तालाब में प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए, घर ले गए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ आहार नहीं किया, चिंतित उन नीमा ने अपने इष्ट से प्रार्थना की, परमात्मा की कृपा से वहाँ परमात्मा की ही प्रेरणा से भगवान शिव वहाँ पर आए, एक साधु रूप बना के नीमा से रोने का कारण पूछा। तब परमात्मा कबीर जी को, जो नवजात शिशु के रूप में थे, 25 दिन के बालक की लीला कर रहे थे, उनसे वार्ता हुई भगवान शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की, कबीर देव जी की। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि इनसे कहो कुंवारी गायें लावें और उसको आप अपने हाथ से आशीर्वाद देना, वो दूध देवेगी, उस दूध को मैं पीऊंगा। ऐसा ही हुआ। तो परमात्मा जो लीला परमात्मा किया करते हैं और जिसके साक्ष्य वेदों में विद्यमान हैं,
तो वो सभी साक्ष्य परमात्मा कबीर जी के ऊपर ही खरे उतरते हैं। अन्य किसी भी भगवान को जिनको हम इष्ट मानकर पूजा करते थे उनके ऊपर वेदों में वर्णित जो परमात्मा की लीला एक भी खरी नहीं उतरती। उस परमेश्वर ने हमें आकर के बताया कि आप जी मूल ज्ञान को भूल चुके हो, तुम परमात्मा से अपरिचित हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूजा करते हो ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, ये स्वामी नहीं है। भारतवर्ष में किसकी पूजा हम करते थे? भगवान विष्णु और भगवान शंकर की। इनको परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये पूजा के योग्य नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, इनको इष्ट रूप में पूजना तुम्हारी अज्ञानता है, ये प्रभु नहीं है। तो उस समय के हमारे धार्मिक गुरुओं ने इतना विरोध कर दिया परमेश्वर का कि ये झूठा है, ये कपटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान नहीं बता रहा है, इसकी बातें मत सुनना, और यहाँ तक कहने लगे कि ये मुसलमान है। परमात्मा कहते थे ना हम हिंदू ना मुसलमाना, हम तो इंसान को चेताने के लिए आए हैं, हम हैं पूर्ण रहमाना, हम पूर्ण परमात्मा हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण परमात्मा का बहुत ज़बरदस्त विरोध करवा दिया। परमेश्वर कहा करते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जिनको तुम सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर कहते हो, आप कहते हो इनके माता पिता नहीं हैं। तो परमात्मा कबीर देव जी कहा करते थे, कबीर साहब, वो जुलाहा कबीर साहब, कि ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये भगवान नहीं है। अपुनात्मा हमारे सदग्रंथ जो हैं, शास्त्र हैं, जैसे पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी है, उसे तो हम अपरिचित हैं, उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं था। इन चारों वेदों को और श्रीमद् भगवत गीता जी को तो हम सिरोधार्य मानते ही रहे, और साथ में 18 पुराणों को भी हम विशेष आदर की दृष्टि से ही देखते हैं। और हमारे गुरुजन ये कहा करते थे कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं ये पुराणों में विद्वान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सुप्रीम पावर हैं, ये तीनों सृष्टि सतिथि और संहार करते हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। उस समय परमात्मा के इस सत्य को, परमात्मा की इस सत्यवाणी को उन अज्ञानी गुरुओं ने झूठ कह करके हमें स्वीकार नहीं करने दिया। और क्योंकि कारण क्या रहा कि सभी सदग्रंथ संस्कृत में विद्यमान थे, संस्कृत के जानने का केवल एक ही वर्ग को अधिकार था, ब्राह्मण वर्ग को, और दूसरे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। तो हमारे पूर्वजों ने जो भी अपने गुरुओं यानी ब्राह्मणों से सुना, क्योंकि वह संस्कृत बोलते थे, फिर संस्कृत पढ़ करके बताते थे कि हमने इस पुराण में ऐसा पढ़ा, इस पुराण में ऐसा पढ़ा, वेद ये बताते हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है, फिर वो संस्कृत बोल करके फिर कुछ हिंदी में अनुवाद किया करते थे, समझाते थे। तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्होंने इस बात को, उनकी इस व्याख्या को, अज्ञान को सही मान लिया कि कबीर जी संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसलिए ये पुराणों के बारे में नहीं जान सकते, शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये कबीर परमेश्वर जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को नासवान बता रहे हैं, और इसी कारण से ये इनको प्रभु नहीं बता रहे। तो ये बात प्रत्येक मानव के हृदय में समा गई कि कबीर जी को
संस्कृत नहीं आती, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में नहीं जान सकता, जिस कारण से ये झूठ बोल रहे हैं। पुणात्मा एक हरियाणा के अंदर एक कडौली गांव है, कडौली खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में। कडौली गांव का एक जाट का लड़का, उसके मन में प्रेरणा हुई, उसका निश्चल दास नाम था, उसका निश्चल दास नाम था और छोटी उम्र का था वो, 10-12 वर्ष का। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा पढूं और सदग्रंथों को मैं भी जानूं और औरों को भी समझाऊं और निस्वार्थ सेवा करूं। इस उद्देश्य से उसने नकली ब्राह्मण का सर्टिफिकेट मनवा लिया गांव से। गांव में पहले नंबरदार ही मुखिया होता था उसमें। वो अशिक्षित होते थे और उसमें अपने आप उस लड़के ने लिख लिया कि ये निश्चल सुनो फलाना गांव कडौली, ये ब्राह्मण का लड़का है। एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था, वो बनवा करके वो पहुंच गया काशी विद्यापीठ में और उसके आधार से उसने प्रवेश पा लिया और बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट केस हो गया। प्रत्येक कक्षा में अव्वल आवे, एक नंबर पर फर्स्ट आवे, तो प्रिंसिपल जो प्राचार्य था उसका भी विशेष लगाव उस बच्चे में हो गया कि बड़ा होनहार बालक है। और उसमें शिक्षा जो संस्कृत भाषा की शिक्षा का उद्देश्य क्या था, केवल मनी मेक करना। जैसे वर्तमान में डॉक्टर की कोई भी शिक्षा ले लो, डॉक्टर की है या इंजीनियरिंग करते हैं या कोई वैसे टीचर के लिए करते, रोजी रोटी ही उद्देश्य होता है। इसी कारण से ब्राह्मण वर्ग जो अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि ये अपना रोजी रोटी कमा लेगा, जगह जगह जाकर पाठ कर करा के और कथा सुना के अपना बच्चे पाल लेगा। तो जब उस लड़के की पढ़ाई पूरी हो ली, निश्चल दास की विदाई मांगी अपने प्राचार्य से और प्रार्थना की कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हो अपने क्षेत्र में। अब उस प्राचार्य ने सोचा कि बहुत ही होनहार बालक है, पंडित का लड़का है, और उस प्राचार्य यानी प्रिंसिपल की लड़की विवाह के योग्य थी, तो उसने प्रिंसिपल ने उस लड़के से कहा कि बेटा क्या आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। निश्चल दास ने कहा कि गुरुवर मेरे पास क्या है देने को, एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा हूँ। तो प्राचार्य ने कहा कि तू मेरी एक बात स्वीकार कर, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुझसे करना चाहता हूँ और मना मत करना, ये गुरु दक्षिणा समझ मेरी। अब वो फंस गया धर्म संकट में, यह बात ही सामना आवेगी, घर वाले माने ना, ये ब्राह्मण माने नहीं, ये पंगा खड़ा होगा एक नया। तब उसने सच्चाई बता दी कि गुरुजी मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कडौली गांव का जाट हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत भाषा को समझूँ, सदग्रंथों को जानूँ और मुफ्त में सेवा करूं। आज गुरुवर मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। अब इस बात से वो बहुत नाराज हो गया वो प्रिंसिपल, उसने उसको बहुत बुरा भला कहा और श्राप दे दिया कि तेरा बुखार बनेगा, तेरा जो है ना बुखार बना करेगा प्रतिदिन। और दूसरा ये प्रतिज्ञा करवा ली कि संस्कृत भाषा में ना तो तू बोलेगा और ना ही कोई पुस्तक लिखेगा, संस्कृत भाषा का तू कहीं पर भी प्रयोग नहीं करेगा।
उसने कहा ठीक है गुरुदेव, जवाब कीजिए। तो निश्चल दास जी ने ग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन भाषा प्रयोग नहीं किया। फिर वो निश्चल दास जी दादू पंथ में जाकर के, आदरणीय दादू साहेब जी जिनको परमात्मा मिले थे, उनके ग्रुप में उस पंथ में जाकर के दीक्षा लेकर के वहाँ उनके अनुसार साधना करने लगे। फिर उन्होंने जैसा भी सदग्रंथों को जाना था, वो निश्चल ग्रंथ नाम से उसने एक पुस्तक बनाई और संत लैंग्वेज में लिखा, दोहों में। लेकिन उसको भी दास ने पढ़ा था, निश्चल दास भी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सका। अब कहने का भाव ये है कि उस समय संस्कृत के पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था, ब्राह्मण, और इसी कारण से यह बिजली पड़ी रही। अभी तक हम अपने सदग्रंथों को नहीं समझ सके, ये अंधेरा छा रहा है।